Hello dear students, very good evening all of you. Business and commercial knowledge, iske andar we were studying the chapter, the third chapter as per module and as per our notes, the sixth chapter, business organization. Here we would like to study selected group of companies. India ki ya foreign, kaun si companies dekhenge? Both. Correct, you know, it's a mix of, you know, good Indian companies and good global companies, right from Amazon to Bajaj, everything under the sun we're gonna cover. We're gonna have the company overview of everything, right? So guys, when we talk about this, okay, hume overview milta hai about all the things related to company, right from introduction ki, you know, hume exactly kya chahiye, kya ummeed hai, कौन से प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बनाती है एंड ऑल, इन्हें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हमने कभी सोची नहीं है, ये चैप्टर हमें क्यूरियोसिटी जगाता है. ओके, सो गाइस, यस, हमें एनालिस्ट लगेंगे, राइट? तो सिर्फ फाइनेंशियल एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्या कहते हो? नो गाइस, वी रिक्वायर एनालिस्ट फॉर बजट, वी रिक्वायर एनालिस्ट फॉर व्हाट, फॉर फाइनेंस, वी रिक्वायर एनालिस्ट फॉर मैनेजमेंट, राइट? एंड वी रिक्वायर सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की भी हमें जरूरत पड़ने वाली है. ठीक है, बाय द वे, जब हम लोग कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है? व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कॉल्ड? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है निफ्टी. और निफ्टी 50 क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल इन ऑल दीज आर 50 गुड, द टॉप 50 कंपनीज गिव अस दैट इंडेक्स. ओके, चलो, ग्रेट. सो दैट इज दैट एंड दिस इज हाउ इट इज. और हम लोगों को काफी सारी कंपनीज केटर करनी है. चलो, हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ने वाले हैं हम लोग. हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें केटर की है. इन द इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने चेयरमैन का मतलब समझा, हमने सीईओ का मतलब समझा, हमने एमडी का मतलब समझा, हमने सीएमडी का मतलब समझा, हमने डायरेक्टर का, सीएफओ का, इन सारी चीजों को इनडेप देखा है. और मेरा वादा है तुमसे कि इस पे एक एमसीक्यू जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद इट. ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट स्टार्टअप, डिड वी? स्टार्टअप्स का तो क्वेश्चन मैं आपको इंस्टाग्राम पे पूछ लूंगा आज, तो वेट एंड वॉच. चलो, तो फाइनली आई गेस वी शुड स्टार्ट विद द कंपनी ओवरव्यूज ऑफ, यू नो, द कंपनीज. एंड लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परिंग कंपनीज ऑफ इंडिया, अडानी. ओके, अडानी, शैल वी गाइस, व्हाट्स इट, शैल वी स्टार्ट? सो गाइस, लेट्स गेट गोइंग विद अडानी. सो यस गाइज, अडानी ये बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई है इंडिया की. डू आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस, आर यू गाइज? ये बस 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, और इट इज वन ऑफ द, यू नो, टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया. ओनरशिप ग्रुप इज अडानी ग्रुप, द हेडक्वार्टर्स इज इन अहमदाबाद एंड प्रेजेंट हेड एमडी इज गौतम भाई शांतिलाल अडानी, ही इज द प्रेजेंट हेड चेयरमैन एंड एमडी. ओके, एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज सीईओ इज करण गौतम भाई अडानी एंड सीएफओ इज दीपक महेश्वरी. जनरली सीएफओ कौन होते हैं कंपनीज के? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं. सो गाइस, दिस इज द इनकॉर्पोरेशन हियर एंड लीडरशिप ग्रुप ऑफ अडानी. और सर, क्या एमडी पे, क्या सीईओ पे, क्या सीएफओ पे क्वेश्चंस आएंगे? लाइक हु इज द चेयरमैन और हु इज द एमडी ऑफ अडानी ग्रुप, क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? क्या कहते हो? जी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. दिस चैप्टर इज, यू नो, फिनोमिनल. अगर हम इसको प्रिपेयर करने जाए तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ाता हूं ताकि हम लोग अपना 90% मार्क्स सिक्योर कर ले और इसके बारे में स्टूडेंट अपने दूसरे सब्जेक्ट के स्टेटस के हिसाब से डिसाइड करे. सो गाइस, लेट्स मूव अहेड विथ, लेट्स चेक आउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी. एप्सिस, व्हाट इज द वर्ड एप्सिस?
APSEZ, सो देखते हैं, एप्सिस रिप्रेजेंट्स, अच्छा इस चैप्टर का नाम, इस कंपनी का नाम क्या है, देखो तो जरा ढंग से, अदानी, अदानी क्या है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या है, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग इस कंपनी के एंड में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप कंपनी का नाम जरूर समझिए, एप्सिस कहते हैं वो लोग, एप्सिस, एप्सिस अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भाई देखिए पोर्ट्स क्या होता है, पोर्ट्स, पोर्ट्स ये क्या है, व्हाट इज दिस, दीज आर नथिंग एल्स बट, दीज आर नथिंग एल्स बट पोर्ट, यानी जहां पे आपके शिप्स पार्क होते हैं, दोज आर नथिंग एल्स बट पोर्ट्स। तो देखते हैं, एप्सिस रिप्रेजेंट्स लार्ज नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स विद इंडियाज लार्जेस्ट एसईजेड एट मुंड्रा, मुंड्रा नाम की जगह है, इंडिया का सबसे बड़ा बड़ा पोर्ट है ये, सो लार्जेस्ट एसईजेड एट मुंड्रा एंड एप्सिस पोर्ट, द एप्सिस पोर्ट मुंड्रा एग्जैक्टली कहां है हम लोग देखेंगे, द एप्सिस पोर्ट बिजनेस इज इंटीग्रल टू इट्स लॉजिस्टिक्स बिजनेस एंड इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर विथ प्रेजेंस अक्रॉस 10 लोकेशंस। सर इट सीम्स दैट सो बिग, इसके लिए पार्किंग कौन बनाता है, अरे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा मेरे भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो जरूरी है ना, सो गाइस पोर्ट्स और टर्मिनल्स कहां कहां है, ऐसा कभी देखा है आपने, हैव यू एवर सीन ऐसा, ये देखा है, ये कंटेनर्स देखे, काफी मूवीज में लोग किडनैप करके ले जाते हैं इन कंटेनर्स में, है ना, राइट, ओके, सो लेट्स चेक इट आउट, एप्सिस कहां कहां है, एप्सिस पोर्ट्स और टर्मिनल्स, एप्सिस ऑपरेट्स पोर्ट्स इन मुंड्रा, दहेज, हजीरा, धामरा, कट्टुपल्ली एंड टर्मिनल्स इन मुर्मुगांव, विशाखापट्टनम एंड टूना टेकरा। सर ये किधर है, एन्नोर कंटेनर टर्मिनल एंड विजीझाम पोर्ट आर अंडर कंस्ट्रक्शन। सो गाइस पूरा हम लोग देख लेते हैं, चलो विथ मैप्स, ज्योग्राफी पसंद थी क्या तुमको बचपन में, बोलो, ठीक है, जो तुमने बार बार सुना है मुंड्रा, इट इज इन, वेर इज दिस गुजरात, मुंड्रा टूना टेकरा दहेज हजीरा ये सारे गुजरात में है, ठीक है, मोर्मुगांव इज इन गोवा, सबसे लास्ट में तो जी है, विजीझम इज इन केरला, कट्टुपल्ली इज इन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम ओके इज इन आंध्र प्रदेश एंड धमरा इज इन उड़ीसा। सो दिस इज हाउ इट इज, ये सिर्फ, ये इतनी सारी जो ग्राफिक्स की मेहनत है ये सिर्फ आपके ओके रिमेम्बरेंस के लिए, रिकॉग्निशन के लिए। इंडस्ट्रियल लैंड एसईजेड डीटीए एंड एफटीडब्ल्यूजेड, इंडस्ट्रियल लैंड एसईजेड का फुल फॉर्म बोलो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डीटीए का फुल फॉर्म बोलो, नहीं, ओए हेलो, डीटीए का फुल फॉर्म डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया। अनुषा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीए बेटा, अनुषा, अनुष्का, हुएवर, सही, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, इट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता है तो हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बबल जान लेते हैं, इंफॉर्मेशन बबल हर यू नो कुछ चैप्टर्स के एंड में दिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या डीटीए ये सब क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं, तुमने सुना होगा ना, एक पॉइंट के बाद हर प्रोडक्ट मेड इन चाइना दिखने लग गया था, हर प्रोडक्ट, यानी आप ये उठाओ मेड इन चाइना, आप ये उठाओ मेड इन चाइना, इसके अंदर की बैटरीज मेड इन चाइना, एम राइट, ये पेंसिल मेड इन चाइना, हर चीज राइट, इसको उठा लो, कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने मिलेगा कि डिजाइंड इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन बोलो चाइना, हर चीज पूरी, हर दूसरा प्रोडक्ट मेड इन चाइना, एम राइट,
पूरे दुनिया में चाइनीज प्रोडक्ट का ठीक है बहुत ही ज्यादा ये बन चुका था, क्योंकि चाइना ने बनाए थे 7 इकोनॉमिक जोन। सो तो इसमें क्या करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर आपने अपनी कंट्री में बना लिया तो वो एक ऐसा एरिया होता है जहां पे कोई भी फॉरेन कंट्री के कोई भी कंपनी आती है तो वो वहां पे मैन्युफैक्चर कर सकती है और उसको कोई भी क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। SEZs आर ग्रोथ इंजन दैट बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑगमेंट्स एक्सपोर्ट, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। SEZs रिक्वायर स्पेशल फिस्कल एंड रेगुलेटरी रिजीम इन ऑर्डर टू इंपोर्ट इंपैक्ट इंपैक्ट अ हैजल फ्री ऑपरेशनल। सो SEZ में होता क्या है कि आप बाहर की कंट्रीज हमारे हम बाहर की कंपनीज फॉरेन कंपनीज हमारे कंट्री में आए और यहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें। इंडिया और चाइना की कॉमन प्रॉब्लम क्या है बताओ, व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड चाइना? पॉपुलेशन, और विथ पॉपुलेशन कम्स अनएम्प्लॉयमेंट, एम आई राइट? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये चाइना का कंसेप्ट था, हमने भी इसको कॉपी किया और SEZ कंसेप्ट आया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज स्पेशली डिफाइंड एरिया सेटअप बाय द गवर्नमेंट वेयर स्पेशल बेनिफिट लाइक टैक्स हॉलीडेज, टैक्स हॉलीडेज यानी क्या, टैक्स नहीं लगेगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इंडस्ट्रीज, चीप लीज रेंटल्स एटसेट्रा और ऑफर टू अट्रैक्ट बिजनेस ओनर्स, दिस हेल्प्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल GDP ऑफ द कंट्री। सिमिलरली DTA डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, द एरिया इन विच द एरिया विच इज नॉट SEZ इज कॉल्ड DTA, यानी जो एरिया SEZ नहीं होता उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, यानी उस जगह पे क्या लगेगा, टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा। द एरिया इन विच इट इज नॉट SEZ इज कॉल्ड DTA एंड फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन FTWZ सिमिलर टू SEZ, इन FTWZ वेयरहाउसिंग बिजनेस आर गिवन बेनिफिट्स टू सेटअप सप्लाई चेन बिजनेस। सप्लाई चेन बिजनेस ऐसा कुछ होता है क्या, बोलो, सप्लाई चेन बिजनेस? ओए Amazon, Flipkart, Snapdeal किस पे चल रहा है, सप्लाई चेन बिजनेस पे ही तो चल रहा है। तो वेयरहाउसिंग के लिए SEZ जैसे ही वेयरहाउसिंग के लिए अगर आप वेयरहाउसिंग बिजनेस में हो तो आपको FTWZ के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ऐसी ऐसे ऐसे कंसेप्ट है इंडस्ट्रियल लैंड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है तो बचा हुआ एरिया क्या, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया एंड फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिजनेस के लिए होता है। सो मुंड्रा इज द होम टू इंडियाज ओनली पोर्टलेट मल्टी प्रोडक्ट SEZ। मुंड्रा हैज अक्रूड एडवांटेजेस ऑफ एन इफिशियंट प्राइवेट सी पोर्ट, लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी। ये बार बार लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स वर्ड यूज हो रहा है, व्हाट डू यू मीन लॉजिस्टिक्स रे, ट्रांसपोर्ट, करेक्ट। सो लॉजिस्टिक्स है ना, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और भी फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द सबसेट्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। सो लॉजिस्टिक्स इज अ बिग कॉन्सेप्ट, वन ऑफ देम इज ट्रांसपोर्ट। सो सीमलेस मल्टी सॉरी लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर बाय ऑफरिंग एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस। तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे SEZ के अंदर, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे बताएंगे मुझे, काइंडली एक्सप्लेन। क्या क्या, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो गाइस, अगर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है तो क्या ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, बताइए? यस सर। आपको अगर टैक्स नहीं देना है तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंसेंटिव्स फॉर एनी कंपनी। सो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको, अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर बाय ऑफरिंग एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस। कोई है आपके सिटी के पास कोई SEZ है, सुना है आपने? नहीं तो गाइस ढूंढने की कोशिश करना, आपके शहर के बाहर लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे आपको जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई SEZ। इंडिया में काफी कंसेप्ट फेमस है SEZ का। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक्स, सीमलेस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सोल्यूशन आर प्रोवाइडेड राइट टू एंड फ्रॉम द कस्टमर्स प्रीमाइसेस। मल्टी मॉडल यानी क्या सर, आपके यहां से हम ट्रक से भी सामान ले जा सकते हैं, ट्रेन से भी सामान ले जा सकते हैं, फ्लाइट से भी ले जा सकते हैं, करेक्ट, रेलवे से भी ले जा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, मल्टी मोडल। व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सुना है क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? यस सर।
Yes, sir. Seamless multi-modal solutions provided right to and from the customer's premises. Our inline container depot help ports expand their hinterland connectivity, while our private rakes and strategic alliances help in seamless pan-India cargo movement. So, guys, when we talk about Adani, तो ये क्या करता है? ये आपको हर टाइप का सपोर्ट देता है, हर टाइप का सपोर्ट देता है. हमारे कंटेनर डिपो आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं भी पहुंचा सकता है. आपको हिंटरलैंड कनेक्टिविटी देता है, यानी रिवर टू रिवर कनेक्टिविटी भी दे देगा अगर पॉसिबल होगा तो, या फिर आपके लिए प्राइवेट रेक्स बना के देंगे जहां पे तुम अपने शिप्स को क्या कर सको, पार्क कर सको, और जहां पे आप पार्क कर पाओगे उसको कहते हैं पोर्ट्स. ओके, तो गाइस यहां पे देखो, यहां पे शिप से सामान आ जाएगा, यहां से लोड हो जाएगा ट्रक में और यहां से जाएगा रेलवेज में या फिर एयरपोर्ट के पास. तो ये क्या हो गया? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी. अब गाइस अगर पोर्ट से अगर एयरपोर्ट 500 किलोमीटर दूर रहा तो क्या डिले हो जाएगा सामान पहुंचने में? बोलो. अडानी इज प्रोवाइडिंग इट. अभी तो इन्होंने हमारे इसमें दिया नहीं है, अडानी इंडिया के 60% से ज्यादा एयरपोर्ट्स को भी कंट्रोल कर रहा है. कितना? 60% से ज्यादा. इट इज बिग. चलो एक और पार्ट, बिजनेस एंड न्यूज. कितनी बड़ी है कंपनी? एप्सिस रैंक्ड कितना? 1489th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021. क्या रैंकिंग है? 1489th. सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? जी हां. इसलिए जल्दी जल्दी पास हो जाओ, नहीं तो इस पर फिर से मेहनत करनी पड़ेगी अगर गड़बड़ हो जाती है तो. इन मार्च 2019 अदानी पोर्ट्स एप्सिस इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर रिकॉर्डेड कार्गो मूवमेंट ऑफ मोर देन 200 मिलियन मेट्रिक टन्स एमएमटी कहते हैं. इट बिकेम इंडियाज फर्स्ट पोर्ट ऑपरेटर टू अचीव दिस माइलस्टोन एंड फिफ्थ इन द वर्ल्ड. सो गाइस 200 मिलियन मेट्रिक टन्स, इज इट अ ह्यूज नंबर? ये बहुत ज्यादा कार्गो मूवमेंट है, इंडिया का सबसे ज्यादा, और पूरे वर्ल्ड में कितना? फिफ्थ. सो गाइस दैट इज हाउ इट इज, दिस इज द बिजनेस इन न्यूज. तो गाइस टू बी ऑनेस्ट, ये जो अडानी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है अडानी के बारे में, लेकिन क्वेश्चन जरूर बन सकता है. तो इंफॉर्मेशन बबल में हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कौन से? एससीजेड, उसके बाद बोलो डीटीए. डीटीए का फुल फॉर्म बोलो? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया. हाँ हाँ. और एफटीडब्ल्यूजेड, व्हाट इज एफटीडब्ल्यूजेड? फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, वेयरहाउसिंग बिजनेसेस के लिए टू गेट बेनिफिट्स टू सेटअप सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट कंपनी. लेट्स हैव द कंपनी ओवरव्यू ऑफ द नेक्स्ट कंपनी. अडानी के बाद कौन सी कंपनी बनना चाहेंगे आप? सर आप जो भी पढ़ाएंगे वेल एंड गुड. लेट्स गो एंड थिंक अबाउट एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स इज इट अ रैकेट? चलो अडानी टू बी ऑनेस्ट ना, एप्सिस ना, ये बहुत कम सुना होगा तुमने, बट एशियन पेंट्स तो तुम सबने सुना है. क्या कहते हो? चलो देखते हैं एशियन पेंट्स का इनकॉर्पोरेशन ईयर. ये तो नई कंपनी लग रही है, क्या कहते हो? इज इट अ न्यू कंपनी? It's a company which is set up in the year 1942, headquartered in Mumbai. The present head, chairman and MD is Mr. Amit Singhal. Singhal bolo ya Singhal bolo? Mujhe lagta hai ki Singhal yaad rahega. Kya kehte ho? Status hai bhai hamara? Kya kehte ho? Present head, chairman and MD, and the CFO is Mr. R. J. Jaya Murugan. Okay? Jaya Murugan. CFO. Let's check out company intro. Who is the corporate? What it does? Asian Paints operate in kitna countries? 16 countries. Hum to ekdam local samajh rahe the isko. Am I right? It has 26 paint manufacturing facilities in the world which serve consumers in over 65 countries. It manufactures a wide range of paints for decorative and industrial use. Its research and technology division has over 200 highly qualified scientists for tech development. Oh, the scientists kyun chahiye Asian Paints mein? Vaccine bana rahe kya? Sir, guys, paint, aapne dekha car ka paint, correct? Ek
कार 5 साल तक कार के पेंट को कुछ नहीं हो सकता है, नहीं होता है जनरली इंडिया के इस हॉस्टाइल वेदर में, क्या कहते हो? 5 साल के बाद वो खराब होने लगती है हर कार आप देखो। और अगर आपकी कार मुंबई चेन्नई किसी भी कोस्टल रीजन में जल्दी खराब होती है, पेंट्स किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ाने में मदद करता है। आप देखो आपका भी कोई बाइक होगा, अगर किसी पार्ट में से किसी आयरन या स्टील पार्ट में से अगर उसके ऊपर का पेंट या कोटिंग निकल जाता है तो रस्ट पकड़ लेता है, राइट? रस्ट पकड़ लिया तो समझो वो चीज कुछ दिनों में उसकी लाइफ कम हो जाती है। पेंट इज केमिकल इंजीनियरिंग करना पड़ता है और उनके पास कितने साइंटिस्ट हैं? मोर देन 200। इट इज इंडियाज लीडिंग एंड एशियाज फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी। ओ गॉड, इट इज इंडियाज लीडिंग एंड एशियाज फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी टूडे। इट इज डबल द साइज ऑफ एनी अदर पेंट कंपनी इन इंडिया। और कौन सी पेंट कंपनी है एशियन पेंट्स के अलावा इंडिया में, तुमको पता है? नेरोलैक, नेरोलैक और इंडिगो। हाँ इंडिगो है, करेक्ट, लेकिन उसका नाम इंडिगो नहीं है, कांसाई। ओके गाइस, बर्गर ऑफ नहीं, बर्जर पेंट्स सुना है? बर्जर पेंट्स, बर्जर पेंट्स की एडवर्टीजमेंट आती है, नेरोलैक की एडवर्टीजमेंट आती है, शालीमार और जेनसन निकलसन की नहीं आती है, बट दीज आर द कंपिटिटर्स। सो देखो today it is double the size of any other paint company in India. The nearest rivals of competing firms of Asian Paints are Kansai, Nerolac Paints, Shalimar Paints, Jensen and Nicholson and Berger Paints India Limited. Philosophy kya thi inki? Ya soch hoti hai, har company banane ke piche soch hoti hai, kya kehte ho? Jaise tum log chartered accountancy mein kuch soch ke aaye ho ya aise aage mein utha ke bolo? What is the philosophy behind pursuing chartered accountancy? मुझे जानना है, बताओ मुझे। What is the philosophy? बोलो, मुझे बहुत knowledgeable बनना है, ये philosophy है ना? हाँ बोल दो, झूठा ही सही। very nice। आ जाओ। Asian Paints aims to become one of the top 5 decorating coatings companies worldwide by leveraging यानी using it, leveraging। जैसे तुम लोग as a student, कुछ student पढ़ने में होशियार रहता है तो वो अपना इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन लेवरेज करता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एम आई राइट? कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में होशियार नहीं रहते लेकिन मेहनत करते हैं, समझ रहे हो? तो वो हार्डवर्क पे लेवरेज करते हैं। तो सबका अलग अलग एडवांटेज पॉइंट रहता है जिसका यूज करना, इसको कहते हैं लेवरेजिंग। सो लेवरेजिंग इट्स एक्सपर्टीज इन हायर ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट्स। साइमल्टेनियसली द कंपनी इंटेंड्स टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वैल्यू इन इंडस्ट्रियल कोटिंग बिजनेस थ्रू अलायंसेज विद एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल पार्टनर्स। सो गाइस, अलायंस का जमाना ही है ना, आखिर में वोडाफोन को आइडिया से होना ही पड़ा ना मर्ज, क्या कहते हो? Yes, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था, याद करो एशियन पेंट्स। तो गाइस पुरानी कंपनी है, चार दोस्तों ने मिलकर बनाई है कंपनी। हिस्ट्री, इट वॉज इनिशियली सेटअप बाय पार्टनरशिप फॉर्म बाय 4 फ्रेंड्स, चंपकलाल चोकसी, सूर्यकांत दानी, अरविंद वकील, चिमनलाल चोकसी। वेरी नाइस फ्रेंड्स थे चारों। द कंपनी एज अ मार्केट लीडर इन द कंपनी हैज बीन अ मार्केट लीडर इन पेंट्स सिंस 1967। कितना इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 42। यानी आइडिया उससे भी पुराना होगा, आप समझ रहे हो क्या? पेंट कंपनी बनाने का आइडिया उससे भी पुराना होगा। और ये लीडर बनी, मार्केट लीडर कौन से साल में? इफ योर मैथ इज करेक्ट, टेल मी कितने साल लगे उनको लीडर बनने में? 25 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 25 साल लगे उन्हें। और तुम लोगों को एक दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई तो गिव अप कर देते हो तुम, है ना? एम आई राइट? गाइस याद रखना, देर विल ऑलवेज बी सम सेटबैक्स, बट यू हाउ बिग यू विल बिकम ऑलवेज डिपेंड ऑन हाउ वेल यू मेक अ कम बैक इफ योर डे हैज नॉट बीन गुड। होता है काफी 2-3 दिन बीच में पढ़ाई नहीं होती अच्छे से, बट यू डोंट गिव अप, यू गिव इन एंड यू गिव इन योर बेस्ट शॉट वेन यू कम बैक। सो गाइस 25 साल लगे उनको मार्केट लीडर बनने में, अगर कभी कुछ कम ज्यादा होता है तो क्या हम छोड़ देंगे, छोड़ने की बातें करेंगे क्या? बोलो नहीं। जी नहीं। आगे बढ़ते हैं,
पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एशियन पेंट मैन्युफैक्चरर्स वाइड रेंज ऑफ पेंट्स फॉर डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल यूज इन डेकोरेटिव पेंट एशियन पेंट इज प्रेजेंट इन ऑल फोर सेगमेंट्स कौन सा है भाई इंटीरियर वॉल ये घर के अंदर यूज होता है यस सर इंटीरियर वॉल एक्सटीरियर वॉल एनएमएल्स एंड वुड फिनिश ये एनएमएल क्या होता है मुझे इतना पता है कि जो कोटिंग होती है हमारे टीथ पे उसको एनएमएल कहते हैं एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग ऑन अर्थ बट ये एनएमएल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं पेंटिंग का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है एनीवन हु नोज व्हाट एनएमएल इज एंड वुड फिनिशेस काफी बार ऐसा होता है पीओपी पे देखते हैं हम लोग वुडन लगता है वो बट वो वुडन होता नहीं है एम आई राइट या सो दैट्स अ पेंट या बिजनेस इन न्यूज क्या रैंकिंग थी एशियन पेंट्स के लिए चेक इट आउट एशियन पेंट्स रैंक 101536 ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021 अच्छा एक बात बताओ अडानी की कंपैरिजन में रैंकिंग आगे है या पीछे है बताओ जल्दी बताओ पीछे अडानी की क्या रैंकिंग थी रैंकिंग बताओ अडानी की 1489 नॉट बैड गुड मेमोरी सो गाइस ये रैंकिंग्स हमें थोड़ी याद करनी है धीरे धीरे मैं ये सब कहता हूं इस चैप्टर को हम लोग तभी प्रायोरिटी देंगे जब हमारे मैथ्स की पढ़ाई अच्छी चल रही है हमारे लॉ की पढ़ाई अच्छी चल रही है हमारे अकाउंट्स की पढ़ाई अच्छी चल रही है तभी हम लोग इस चैप्टर को प्रायोरिटी देंगे और दैट वाज ऑल अबाउट एशियन पेंट्स मजा आई ये सब जानने में कि किसी चंपक लाल चिमन लाल चोकसी ने इतनी बड़ी कंपनी बना ली क्या कहते हो Yes, क्या हम एक एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे बोलो करना ही होगा हमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है जिस मोमेंट पे आप खुद को ऑप्शन दोगे उसी मोमेंट पे ओके दैट इज द टाइम ऑफ फेलियर नॉट द डे ऑफ रिजल्ट हम लोग हमारे पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं रखेंगे मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट कंपनी कौन सी कंपनी है यार ये क्या है ये कंपनी है इसे लोगों देखा देखा लग रहा है एक्सिस बैंक ठीक है सो गाइस लेट्स चेक इट आउट एक्सिस बैंक बहुत पुराना है ना व्हाट्स इट देखते हैं एक्सिस बैंक इनकॉर्पोरेशन इन 1993 हेडक्वार्टर ये 1993 में बहुत कुछ होगा इंडिया में देखना आप क्यों 1993 में ऐसा क्या हो गया था इंडिया में 1993 के पहले कुछ एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र प्रेजेंट हेड मिस्टर अमिताभ चौधरी इज द एमडी एंड सीईओ एंड सीएफओ इज मिस्टर पुनीत शर्मा ये सीएफओ मोस्टली कौन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चलो ग्रेट 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 सो मिस्टर अमिताभ चौधरी एमडी भी है सीईओ भी है जरूर याद रखना इसे देन कंपनी इंट्रो एक्सिस बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट रेज योर हैंड्स ये एक्सिस बैंक के ऊपर और कौन सी प्राइवेट बैंक है Come on. सही बोलो एब्सोल्युटली करेक्ट आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी परफेक्ट तो बैंक ऑफर्स द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर सेगमेंट्स कवरिंग लार्ज एंड मिड कॉर्पोरेट्स एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एग्रीकल्चर एंड रिटेल बिजनेस सो गाइस किसको कैटर कर रहे हैं हर किसी को एक्सिस बैंक रिटेल बिजनेस यानी जो छोटे मोटे जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी पैसा देता है मिड साइज फर्म्स होती है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी एमएसएमई को भी फंडिंग करता है मीडियम और लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी फंडिंग यानी एक्सिस बैंक रिलायंस को भी पैसा दे सकता है अगर डिमांड हुई तो द ओवरसीज ऑपरेशन ऑफ बैंक आर स्प्रेड ओवर 10 इंटरनेशनल ऑफिस विद ब्रांचेस एट सिंगापुर हांगकॉन्ग दुबई एट डीआईएफसी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर Then Colombo, where is Colombo? Sri Lanka. Shanghai, representative offices in Dhaka, where is Dhaka? Bangladesh. Dubai, Abu Dhabi, Sharjah and overseas subsidiary in London, UK. Okay, so guys, ye jo Axis Bank bani na, yahan se bani hai. UTI suna hai kya? Yes, sir. What is the full form of UTI? Unit Trust Organization. Perfect. So, Axis Bank ka history kya hai? कि ये जो है ना ये सारी कंपनी सुनिए yes, क्या कॉमन लग रहा है इसमें देखो तो जरा इंश्योरेंस करेक्ट ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज है और ये इंश्योरेंस कंपनीज यहां तो दो तीन जगह लिखा ही है इंश्योरेंस लेकिन हमारे लिए इंश्योरेंस का क्या मतलब है इंश्योरेंस बोला तो एक ही कंपनी आ जाती है कौन सी सो एल आई जो सारी इंश्योरेंस कंपनी थी इनके पास बहुत सारा पैसा था
तो उन्होंने सोचा हमारे पास इतना पैसा है, क्यों ना हम अपनी बैंक बना लें, क्या कहते हो? सो एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द फर्स्ट न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू हैव बिगन ऑपरेशंस इन 1994. सर तो इधर पहले तो आपने 1993 पढ़ाया था, आप 1994 बोल रहे हो, ध्यान से पढ़ो. 1993 में क्या हुआ था? इनकॉर्पोरेट हुई थी. और इन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1994. द बैंक वॉज प्रमोटेड इन 1993 जॉइंटली बाय सुट्टी. सुट्टी क्या होती है? वो तो सुट्टा होता है ना? नहीं नहीं नहीं, सुट्टी होता है. सुट्टी क्या होती है? स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया देन नोन एज यूटीआई एलआईसी. तो सुट्टी एलआईसी, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. देख रहे हो ये सारे कहां से आ रहे हैं? ये सारी कंपनीज, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी. The shareholding of UTI was subsequently transferred to SUTTI, an entity established in 2003. तो 2003 तक SUTTI नहीं था, 2003 तक क्या था? UTI. तो इन सब में मिला के अपने खुद की एक्सेस पैसों से क्या बना ली? एक्सिस बैंक. सिंपल. विजन क्या है इनका? टू बी अ प्रेफर्ड फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइडर एक्सेलिंग इन कस्टमर डिलीवरी थ्रू इनसाइट एम्पावर्ड एम्प्लॉय स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. Core values, customer centricity. What do you mean by customer centricity? Focus on someone is called as. You know, हमारे parents के लिए उनके सारे plans किसके हिसाब से बनते हैं? हमारे हिसाब से. तो वो क्या हो गया? Kid centric है तुम्हारी family, kid centric. लेकिन अगर पापा के सारे plans मम्मी के हिसाब से बने तो? Very good. हाँ, आप बराबर समझा तुमको, है ना? Very nice. आगे बढ़ते हैं. कस्टमर सेंट्रिसिटी यानी फोकस ऑन द कस्टमर, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क एंड ओनरशिप, ये सारी उनकी कोर वैल्यूज हैं. यानी ओनरशिप, यार मेरे कस्टमर का पैसा मेरा ही पैसा, तो मैं पूरी तरह उसकी सिक्योरिटी चाहूंगा, करेक्ट? ये उनका कोर वैल्यू है, ये उनका विजन है. फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइडर है, कैसे? एक्सिस बैंक फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइडर कैसे बन गया? अरे सिंपल है भाई साहब, लोन दे रहा है ना, एंड ऑफ द स्टोरी. ठीक है, इट्स गिविंग लोन, दैट्स इट. दिस फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर. द बैंक हैज 10 होल्ली ओन सब्सिडरीज. पोर्टफोलियो देखेंगे इनका, इनके पास कौन से बिजनेस है, पोर्टफोलियो कौन से सर्विसेज है, कौन से प्रोडक्ट्स है, देखते हैं इनका गुलदस्ता. द बैंक हैज 10 होल्ली ओन सब्सिडरीज. कौन सी? एक्सिस कैपिटल, एक्सिस प्राइवेट इक्विटी, एक्सिस ट्रस्टी, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट, एक्सिस म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आगे बोलो. वेरी गुड. सो ये भी सर्विस देती है एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी एंड एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड, एक्सिस सिक्योरिटीज, एक्सिस डायरेक्ट, एक्सिस फाइनेंस, एक्सिस सिक्योरिटीज यूरोप लिमिटेड एंड एक्सिस ट्रेड्स लिमिटेड. ये सारी उनकी अलग अलग होली ओन सब्सिडरी है. व्हाट डू यू मीन बाय होली ओन? यानी एक्सिस बैंक होल्डिंग कंपनी है और उसका 100% ओनर है. इन सारी कंपनीज का 100% ओनर है कौन? एक्सिस बैंक. ब्यूटिफुल. सेगमेंट्स कौन से उनकी? रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड इंटरनेशनल बैंकिंग. एक मिनट, रिटेल बैंकिंग. हम बैंक, जब जो भी बैंक में हम जाते हैं, कभी गए बैंक में? सबके बैंक अकाउंट होने चाहिए, ठीक है? आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड मिलेगा तुमको. हमारा जो भी बैंक होता है जहां हम जाते हैं वो रिटेल बैंकिंग कहलाता है. क्या कहते हैं उसको? रिटेल बैंकिंग, रिटेल. और जहां पे कंपनीज होती है, जहां पे कंपनीज को लोन मिलता है, वो कौन सा ब्रांच होता है? कॉर्पोरेट बैंकिंग. दैट्स द डिफरेंस. सो रिटेल बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, कार्ड सर्विसेज. कार्ड वर्ड देते हैं क्या पर्सनल रिटेलर्स को? हमें देते हैं कार्ड. इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डिपॉजिटरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, इंश्योरेंस, एनआरआई सर्विसेज. ओके, एनआरआई सर्विसेज भी, ये सारी सर्विसेज, यू नेम इट एंड दे गिव इट. यानी तुम लोग भी यार कल जाके दुबई जाओगे, न्यूयॉर्क जाओगे, ठीक है, और तुम लोग एक पॉइंट के बाद एनआरआई बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट इंडियन. सही है ना? यस सर. रिच पीपल. हाँ, तब आप
आपको लगेगा कि एनआरआई अकाउंट, बोलो इंडिया में अपनी मम्मी को पैसे भेजने के लिए, मम्मी ये लो 2 लाख रुपए रख रख लो, दिवाली में शॉपिंग कर लेना, सही है? वेरी नाइस, नाइस फीलिंग। एनआरआई सर्विस देते रिटेलर्स को, उसके बाद कॉर्पोरेट बैंकिंग, क्रेडिट, ट्रेजरी, सिंडिकेशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ट्रस्टी सर्विसेज। यू नो क्रेडिट यानी लोन्स, ट्रेजरी यानी, ट्रेजरी यानी कैश हैंडलिंग, सिंडिकेशन यानी काफी कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा मांग लेती है, 5,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो एक बैंक खुद पे ले लेंगे सब नहीं, 4-5 बैंक मिला के बनाया जाता है सिंडिकेट, तो 4-5 बैंक मिला के देता है। ये पढ़ाया क्या मैंने आपको कभी? सिंडिकेट लोन्स कहते हैं उसको। देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्टॉक मार्केट में एंड ट्रस्टी सर्विसेज रिलेटेड टू असेट मैनेजमेंट, रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। देन इंटरनेशनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेड फाइनेंस, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस थ्रू ब्रांचेस इन सिंगापुर, हांगकांग, डीआईएफसी, वो दुबई वाला दुबई आईएफसी, शंघाई एंड कोलंबो, एंड ऑल्सो रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांचेस एट हांगकांग एंड कोलंबो। बिजनेस इन न्यूज, एक्सिस बैंक रैंक कितना? 585th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021। एक्सिस बैंक रैंक 254th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट 2021। एक्सिस बैंक लिमिटेड, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अनाउंस द ओपनिंग ऑफ क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टू रेस फंड्स ऑफ कितना? 12,500 करोड़। तो 12,500 करोड़ का, ठीक है, जो है वो क्यूआईपी से फंड रेजिंग करी एक्सिस बैंक ने। अगर कोई इतना पैसा एक बैंक को दे रहा है, इसका मतलब उस बैंक का वर्थ लोगों की नजर में काफी ज्यादा है, क्या कहते हो? यानी अगर मैं आपको 500 रुपए मैनेज करने के लिए दू और मैं किसी दूसरे को 5 लाख रुपए मैनेज करने के लिए दू, तो इसका मतलब मुझे किस पे ट्रस्ट ज्यादा है? दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल विद दिस फिगर, कितना? 12,500 करोड़। क्या रैंकिंग बेटर है एक्सिस बैंक की एशियन पेंट्स और एप्सिस के कंपैरिजन में? एक और लिस्ट दी है उन्होंने जो पहले दो कंपनीज में नहीं थी, कौन सी? वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट 2021। ये नहीं था, ठीक है। एक्सिस बैंक रैंक कितना? 254th। ये कैसी एज एन एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैंक कितनी अच्छी है, ये डिस्कस किया है उन्होंने। तो इट इज 252, अच्छी रैंकिंग है ये वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय की, रैंकिंग इनकी काफी अच्छी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सिस बैंक। ओके, सो गाइस दीस वर द कंपनी ओवरव्यू ऑफ 3 कंपनीज। कौन सी? एप्सिस, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दूसरा एशियन पेंट्स, तीसरी एक्सिस बैंक। कहा है? सॉरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। पक्का तुमने देखी है? सुना नहीं होगा तुमने, हमारे जमाने में लगती थी ऐड। तो गाइस सैडली आप 2000 के बाद पैदा हुए हो, तो आपने ये गाड़ी को ज्यादा देखा नहीं होगा, या फिर या तुमने ये नहीं खरीदी नहीं होगी। पता है जब ये लोग खरीदते थे ना ये वाली गाड़ी, तो पहले तो 7-7 साल की वेटिंग होती थी। कितनी? 7 साल। आने के बाद कलर भी उनके दिल का मिलता था, समझ रहे हो? हमें जो चाहिए वो नहीं, उनको ये कलर, बजरंगी कलर दे देंगे तुमको, समझ रहे हो? या पीला कलर, या नीला कलर, या काला कलर सीधा, ठीक है, चॉइस नहीं होती थी। और अब देखो आजकल की गाड़ियों में एक हल्का सा यू नो एक शाइन होता है अलग सा, राइट? पहले के समय डायरेक्ट पेंट सीधा, कोई शाइन वाइन नहीं। ओके, एनीवे जो भी है, खाली पूरा पूरा मोहल्ला आता था आपका बजाज स्कूटर देखने, है ना, राइट? आज कार भी लेता है ना कोई पूछ नहीं रहा है, समझ रहे हो? दैट वॉज बजाज स्कूटर। एनीवे इट चेंज्ड इंडिया फॉरएवर। हम लोग जो साइकिल पे, जो सपना होता था बजाज, और ये देखो कितने खुश है, ये देखो सी दिस हाउ हैप्पी दे आर, ये लुक एट हिम दिस स्टूपिड गाय। और ये बच्चा ऐसा फोन बजाएगा यहां खड़े रह के, देखो उसका हाथ, देखो कहां है, देखो छोटे बच्चे का हाथ कहां है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू,
साइकिल से स्कूटर पे लाया इंडिया को बजाज ने। कब बनी है कंपनी, नई है पुरानी? पुरानी। सरोल कंपनी, आ जाओ। बजाज इनकॉर्पोरेशन है 1945 एंड ओनरशिप ग्रुप बजाज ग्रुप, हेडक्वार्टर्स पुणे, महाराष्ट्र इंडिया। चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन? मिस्टर राहुल बजाज। ठीक है, अब आप आर्ग्यू कर सकते हो, मेरा ही रील देख के आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर राहुल बजाज जी तो अब है नहीं हमारे बीच में, तो फिर आप हमको ये कैसे सिखा रहे हो? हम आपको ऐसे सिखा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मॉड्यूल प्रिंट हो चुका है आईसीआई का, और ये हर दिन की डेवलपमेंट बार बार नोट्स में लाएंगे तो स्टूडेंट्स के लिए अनसर्टेनिटी हो जाएगी। एम आई राइट? यस सर। मई 2022, नवंबर 2022 मोस्टली, ठीक है, नवंबर 2022 में, शायद इसमें अमेंडमेंट्स अगर आ जाती है तो मैं आपको यूट्यूब वीडियोस के थ्रू बता दूंगा, लेकिन नवंबर 2022, मई 2022 के लिए राहुल बजाज इज द चेयरमैन। यू हैव टू स्टिक टू द नोट्स, समझ रहे हो? देन राजीव बजाज, ही इज द प्रेजेंट हेड एमडी एंड सीईओ ऑफ द कंपनी, मिस्टर राजीव बजाज। एंड सीएफओ इज मिस्टर सोमेन रे, हु इज द कॉर्पोरेट एंड व्हाट इट डज। बजाज ऑटो लिमिटेड इज इंडियन टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोटरसाइकिल्स इन इंडिया। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर। बजाज ऑटो इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोटरसाइकिल एंड थ्री व्हीलर्स। इट इज ऑपरेशन इन 50 कंट्रीज। ओ, ये बजाज को ऐसा मत समझो, कितना कंट्रीज, 50 कंट्रीज। क्रिएटिंग अ लाइन ऑफ बाइक्स टारगेटेड टू द प्रेफरेंसेस ऑफ एंट्री लेवल बायर्स। मैंने क्या कहा था, एंट्री लेवल बायर्स। एंट्री लेवल यानी क्या, हम बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते, समझ रहे हो? मैंने क्या कहा था, अपने इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू भी मैंने ये बताया कि बजाज स्कूटर ने एक आम भारतीय को साइकिल से स्कूटर पर लाया। तो जो साइकिल से स्कूटर पर ला जा रहा है उसके पास बहुत पैसा होगा क्या, बोलो? एंट्री लेवल बायर्स, जो बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। किसने फाउंड किया ये कंपनी, द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। इट वॉज फाउंडेड बाय जमनालाल बजाज जी इन राजस्थान इन 1940s। इन 1959 इट हैज ऑब्टेंड लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मैन्युफैक्चर टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स, एंड बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन द ईयर 1960s। गाइस 1940s में फाइंड किया, और ठीक है पब्लिक लिमिटेड बनी 1960s में। ऑलवेज रिमेंबर रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ दे, और तुमको एक दिन की पढ़ाई में सी फाउंडेशन क्रैक करना है, नहीं होगा। इट विल, यू विल हैव टू टॉयल हार्ड फॉर टू मंथ्स, यू विल हैव टू टॉयल हार्ड फॉर मिनिमम टू मंथ्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इफ यू स्टडी फॉर थ्री मंथ्स, इफ यू टॉयल हार्ड फॉर थ्री मंथ्स, दैट विल बी अ लग्जूरियस टाइम टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर आपको तीन महीने पहले भी ये शक हो रहा है कि हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, थ्री मंथ्स इज अ लग्जूरियस टाइम टू क्रैक दिस एग्जाम, प्रोवाइडेड यू स्टडी डे इन डे आउट वेरी हार्ड। लेट्स लुक एट द फिलोसफी। Vision to attain world-class excellency by demonstrating value-added products to the customers. Vision is always a dream. So, guys, थोड़ा दूर की बात होती है vision. Mission, who we are and what we do. Yeah, so let's check it out. Mission क्या है? Focus on the value-based manufacturing. यार कोई भी product बनाओ मजा नहीं चाहिए यार, क्या कहते हो? कोई भी product बनाओ मजा नहीं चाहिए, value-added product बनना चाहिए. Continual improvement, total elimination of waste. पोल्यूशन फ्री एंड सेफ एनवायरमेंट, कितना अच्छा सोच है यार। यानी जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे कैसा बनाएंगे, पोल्यूशन फ्री और सेफ। सो गाइस दीज आर द टाइप ऑफ पीपल, दीज आर टाइप ऑफ विजन दैट यू हैव टू हैव। इनके प्रोडक्ट देख लेते हैं, पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सेगमेंट्स में पहली मोटरसाइकिल एवेंजर, सुनिए गाड़ी एवेंजर, एवेंजर सीटी 100, डोमिनार। Dominar, have you seen the advertisement of Dominar? Yes. Dominar, जिसमें वो लोग बुलेट की मजे लेते हैं, am I right? Dominar, हाथी बोलते बुलेट को। Discover, V12, V15, Pulsar, etc. इनकी मोटरसाइकिल्स हैं। थ्री व्हीलर्स में उनके पास RE Compact 4S, RE Optima एंड RE Maxima। ये कौन सी गाड़ी है ऑटो वाले भैया को पूछना आप, ठीक है? वो बताएंगे तुमको। लो कॉस्ट कार, देखो आपको जरूर ये पता नहीं होगा, लो कॉस्ट कार भी बना रहे हैं लोग। बजाज क्या है, पढ़ो इसको, बजाज क्यूट, क्या ये बजाज क्यूट, बजाज क्यूट, बजाज RE60
एटसेट्रा, ये इनके पोर्टफोलियो है। लो कॉस्ट कार्स को लेके सवाल पूछ सकते हैं वो। रैंकिंग देख लेते हैं बजाज की। बजाज ऑटो रैंक 1620 ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021। तो रैंकिंग थोड़ी पीछे है, क्या कहते हो? विनर्स इन द ऑटो टू व्हीलर कैटेगरी बाय इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन एज अ पार्ट ऑफ इंड IAA अवार्ड्स एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, बजाज ऑटो द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन। ये जो एडवर्टाइजमेंट मैंने बनाई थी पल्सर को लेके ना, सारी बाइक्स उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट में दिखाई है बजाज की, और उसका थीम था बजाज ऑटो द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन। तो इनके लिए उनको अवार्ड मिला था, एडवर्टाइजमेंट अवार्ड। फर्स्ट इन द इंडस्ट्री स्टेटस ऑफ हैविंग ऑल इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सर्टिफाइड फॉर स्पेशल अवार्ड फॉर टीपीएम अचीवमेंट टोटल प्लांट मेंटेनेंस टीपीएम ने बाय जापान इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट मेंटेनेंस JIPM 2019। सो गाइस इनका यू नो वेस्ट नहीं होने देते, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करते हैं, इसके लिए इनको द जापानीज इंस्टीट्यूट ने इनको अवार्ड भी दिया है। सो बजाज 1620th रैंकिंग है वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी में, लेकिन इट इज अ वेरी वेरी यू नो प्राउड फीलिंग वाली कंपनी फॉर इंडियंस। ओके, बजाज इनका टैगलाइन मिशन स्टेटमेंट डिस्टिंक्टली अहेड कंपनी ओवरव्यू में, फोर्थ कंपनी वी आर डन विथ, मूविंग अहेड विथ कौन सा कंपनी जल्दी बताओ? एयरटेल। ठीक है, एयरटेल को जनरली क्या कहते हैं? ना एयरटेल को जनरली एयरटेल ही कहते हैं सर, लेकिन इसका नाम क्या है? भारती एयरटेल। भारती कौन है सर बताते हैं? कौन है भारती? भारती मित्तल, करेक्ट। ओके, सुनील मित्तल जी के डैड भारती मित्तल, और द ग्रुप्स नेम इज भारती ग्रुप। भारती एयरटेल वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1995। अरे तभी से तो आने लग गए ना मोबाइल फोन्स, करेक्ट? मोबाइल फोन्स तभी से आने लग गए। ओनरशिप ग्रुप इनकॉर्पोरेशन 1995, ओनरशिप ग्रुप भारती ग्रुप, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, चेयरमैन सुनील भारती मित्तल। इनको लोग ज्यादा लोग पहचानते नहीं थे, लेकिन जब से जिया है इनके स्टेटमेंट्स आने लग गए तब से लोग इनको पहचानने लग गए। तो सुनील भारती मित्तल इज द चेयरमैन एंड प्रेजेंट हेड एमडी एंड सीईओ इज मिस्टर गोपाल विट्ठल एंड सीएफओ इज मिस्टर बादल बागड़ी। सो ही इज द सीएफओ। इंट्रोडक्शन, भारतीय एयरटेल लिमिटेड इज द लीडिंग ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी विथ ऑपरेशन इन कितना कंट्रीज? 20 कंट्रीज अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। अब आप समझ रहे हो कि जियो आने के बाद टेलीनॉर बंद हो गया, यूनिनॉर बंद हो गया, टाटा डोकोमो बंद हो गया, आई एम राइट? यस सर। एयरसेल बंद हो गया, लेकिन एयरटेल जिंदा है। कैसे? इंडिया के भरोसे पर नहीं थे हम। कितनी कंट्रीज में काम है अपना बोलो? 20 कंट्रीज। ओके, एयरटेल प्रोवाइड्स जीएसएम 3G एंड 4G LTE मोबाइल सर्विसेज। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, 4G LTE फोर्थ जनरेशन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल सर्विसेज, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड। एयरटेल का ब्रॉडबैंड भी आते हैं, क्या कहते हैं उसको, एयरटेल फाइबर? देन फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड वॉइस सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन द कंट्री ऑफ ऑपरेशन। इट इज द लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये कितने लोग होते हैं 400 मिलियन में? कितने लोग होते हैं सर? बहुत होते हैं, बहुत। 40 करोड़। कितने होते हैं? 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स। ये इंस्टीट्यूट का नंबर है, अब ये नंबर थोड़ा कम हुआ, लेकिन हमको तो किसके हिसाब से जाना है? मॉड्यूल के हिसाब से। मॉड्यूल ये याद है? ये याद है, यूज किया तुमने ऐसा? क्या करना है, कैसे नंबर दबाएंगे इसका? गोल घुमा के करेंगे, सही है? Yes, तुमको क्या लगता है तुम्हारी जनरेशन को पेशेंस है क्या गोल घुमाने का? बताओ, ऐसे पूछ रहा हूं। नहीं, ऐसा करेंगे फिर वो वापस आएगा, फिर हम फिर से ऐसा करेंगे फिर से वापस आएगा, ऐसे 10 नंबर दबा के दिखाओ सब, बीच में सुसाइड कर लेंगे हम लोग पांचवें नंबर पे, करेक्ट? वी डू नॉट एडवोकेट सुसाइड थ्रू अ क्लास। जिसको भी ये मन करे मुझे फोन करना, ठीक है गाइस? तो इसकी जगह पुश बटन फोन लाए किन्होंने? कौन है कौन है? कपिल शर्मा। अरे सुनील भारती मित्तल है। सो कंपनी हिस्ट्री, इन 1984 सुनील मित्तल स्टार्टेड असेंबलिंग पुश बटन फोन्स इन इंडिया। ये बहुत कॉमन थे, तुमने देखे भी नहीं होंगे यार, तुम्हारे जमाने से मोबाइल फोन ही आने लग गए,
देखा है? पुश बटन फोन इंडिया में इन्होंने इन्होंने बनाना चालू किया, और फिर जमाना आया किसका, बोलो ये क्या है, कॉर्डलेस. द रिच पीपल यूज टू हैव कॉर्डलेस. समझ रहे हो क्या? यानी पूरे अपार्टमेंट में एक फोन होता था, ये समझ रहे हो, पूरे अपार्टमेंट में 20 लोगों के अपार्टमेंट में एक जन का फोन, सब उसी के यहां जाते थे, समझ रहे हो. और जो अल्ट्रा रिच होते थे वो फोन के पास नहीं बैठते थे, वो गार्डन में बैठते थे और ये फोन ले जाते थे वहां पे कॉर्डलेस, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता था. ठीक है, तो भारती ने ये सब काम किया. यार हम लोगों को सब दिखता है कि यार वो एयरटेल वाला है, वो तो बड़ा आदमी है. जी नहीं, क्या क्या किया उन्होंने, देखो. By early 1900, Bharti was making fax machine, cordless phones and other telecom gear. In 1992, he successfully bid for bidding की किसके लिए? Guess करो किसके लिए? जो इंसान पहले ही अच्छी चीजें इंडिया में आने लग गया, लाने लग गया, push button phones लाने लग गया, cordless phone, fax machines, ये सारी चीजें, उनको इसी field का knowledge था, समझ रहे हो? तो उनको ध्यान में आ गया कि mobile phone is the future. तो उन्होंने बिडिंग की कि मुझे बैंडविड्थ चाहिए जिससे मोबाइल फोन का स्पेक्ट्रम आए. अभी तो 4G सुना है तुमने ना, 4G 5G. तब इंडिया में बेसिक कॉलिंग के लिए भी लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी, तो उन्होंने उसके लिए बिड किया और बिडिंग में वो जीत गए, उनको नेटवर्क मिला एयरटेल. देन इन 1992 सक्सेसफुली बिड फॉर वन ऑफ द फोर मोबाइल फोन नेटवर्क लाइसेंसेज ऑक्शन इन इंडिया. मैं आपको बताता हूं किस किस के पास था लाइसेंस. BSNL के पास था ऑब्वियसली, करेक्ट. BPL सुना तुमने, BPL के भी सिम कार्ड आते थे. तीसरा कार्ड था, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे पापा यूज करते थे ये फोन. एक फोन कॉल की कीमत होती थी, आउटगोइंग वॉज 32 रुपीज. कितना? 32 रुपीज पर मिनट, और इनकमिंग के 16 रुपए लगते थे. कैन यू बीट दैट? तो वी वर अल्ट्रा रिच जस्ट बिकॉज वी हैड अ फोन जिसका पर मिनट कॉस्ट 32 रुपीज होता था. एनीवे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि एक जमाना था जब कॉलिंग के पैसे लगते थे, वो भी इतने सारे. तो एक था बीपीएल और बीएसएनएल, बीपीएल, एटीएनटी था, एटीएनटी यूएस की एक कंपनी है एटीएनटी, और चौथा एयरटेल. दीज वर ओनली फोर मोबाइल फोन नेटवर्क्स इन इंडिया एट दैट टाइम. So he was the first Indian entrepreneur to identify mobile telecom business as a major growth area. His plans were finally approved by the government in 1994, and he launched services in Delhi in 1995 when Bharti Cellular Limited (BCL) was formed to offer cellular services. Cellular ने क्या? What do you mean by cellular? Calling. हाँ, calling को कहते हैं cellular services. आजकल cellular services बिकाऊ नहीं है, समझ रहे हो? आज क्या बिक रहा है? Mobile data. हाँ, इंटरनेट ही बिक रहा है. सेलुलर सर्विसेज अंडर वाज फॉर्म टू ऑफर सेलुलर सर्विस अंडर द ब्रांड नेम एयरटेल. विद इन फ्यू इयर्स भारती बिकेम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू क्रॉस कितना सब्सक्राइबर्स, 2 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर मार्क. जल्दी उन्होंने कर लिया गाइस. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए एयरटेल को 19 साल लगे थे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जितने सब्सक्राइबर मार्क पे पहुंचने के लिए एयरटेल को 19 साल लगे थे, उतने सब्सक्राइबर्स रिलायंस ने 1 साल में बना लिए थे जियो ने, समझ रहे हो क्या? रिलायंस जियो ने बहुत मार्केट में पेनिट्रेट किया है. फिलोसॉफी और विजन क्या है, लेट्स चेक इट आउट. टू एनरिच द लाइव्स ऑफ द कस्टमर्स, द कंपनीज ऑब्सेशन टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ थ्रू एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस. मुझे नहीं पता आपका एयरटेल एक्सपीरियंस कैसा है, मेरे लिए एयरटेल 75-80% राइट, समझ रहे हो? आपका एक्सपीरियंस कैसा है एयरटेल का? बकवास. अरे अच्छा, मेरी कंपनी थोड़ी है, बकवास बोल सकते हो तुम. गाइस, आई वाज जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वाज हच कस्टमर. हच कंपनी होती थी एक, नो यू डोंट नो. फिर उसको अक्वायर किया वोडाफोन ने और फिर वोडाफोन इंडिया में आया. सो आई वाज अ हच कस्टमर फर्स्ट व्हिच देन टर्न टू वोडाफोन एंड देन आई स्विच टू एयरटेल व्हेन आई वाज इन सीए फाउंडेशन एंड फ्रॉम सीए फाउंडेशन टिल नाउ आई एम यूजिंग एयरटेल. सो तो ऑलमोस्ट दे हैव वन मी फॉर लाइफ. ऑब्सेशन क्या है इनका, टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ थ्रू एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस. ठीक है,
ठीक है गाइस, ये कोई ना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं एयरटेल की, तुमको जो सिम कार्ड खरीदना है खरीदो, ठीक है, सभी बकवास है। आगे बढ़ते हैं, मिशन हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ, भूखे ये लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट्स टेलीमीडिया, ये ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, जितना समझता है समझो, नहीं तो इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। टेलीमीडिया ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस थ्रू डीएसएल इंटरनेट लीज लाइंस एमपीएल्स मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग सॉल्यूशन आईपीटीवी एंड फिक्स्ड मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज या ये प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं। डिजिटल टीवी, ये एयरटेल का टीवी आता है, डिश कनेक्शन आता है एयरटेल का, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज देते हैं। एंड टू एंड टेलीकॉम solutions to corporate customers and national international long distance services to telcos through its nationwide fiber optic backbone last mile connectivity in fixed line and mobile circles VSATs ne virtual satellites ISP internet service provider and international bandwidth access through gateways and landing station yani basically internet ki baat kar raha hai मोबाइल डेटा सर्विसेज यूएसबी मॉडम एयरटेल डेटा कार्ड एटसेट्रा ये भी देते हैं एंड एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशन इन्हें बिजनेसेस के लिए भी ये बिजनेस को भी इंटरनेट लगता होगा क्या कि जरूरत नहीं है उनको बोलो क्या उनको लगता है भाई तो सारे वर्क फ्रॉम होम कैसे कर रहे थे बिना इंटरनेट के कर रहे क्या एवरीथिंग इज आउट ऑन द इंटरनेट हियर मूविंग ऑन GPRS based solution like mobile application tools for enterprise trackmate, automatic meter reading solutions and other is SMS based solution like interactive SMS, bulk SMS, inbound call center solutions. ये bulk SMS वगैरह होता है कि एक साथ shoot कर रहे सबको happy new year, ये सारी services भी ये लोग बेचते हैं, ये हमें individual को हमें नहीं पता रहता, ये business के use के, इसलिए enterprise business solutions. रैंकिंग्स देख लेते हैं, बिजनेस इन न्यूज देख लेते हैं। एयरटेल रैंक, भारतीय एयरटेल रैंक 725th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, कितना 725th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, तो बेटर है ना रैंकिंग, क्या कहते हो, डिसेंट रैंकिंग। एयरटेल बिजनेस हैज बीन अवार्डेड एज द एंटरप्राइज डेटा सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर एंड एंटरप्राइज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर इन द लार्ज एंटरप्राइज सेगमेंट एट द 17th एडिशन ऑफ फ्रॉस्ट एंड सुलिवन आईसीटी अवार्ड्स। सो यू नो एंटरप्राइज डेटा सर्विस प्रोवाइडर एंड एंटरप्राइज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सो यू नो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से यह अवार्ड है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनल इंटरनेट। And then Vibeo, a Trivandrum headquarters startup focused on deep AI. What is AI? Artificial intelligence based analytics for cloud telephony is the fifth startup to join the fast-growing Airtel Startup Accelerator program and helps promising startups unlock their potential. You know, लोग सिर्फ अपने business पे concentrate नहीं कर रहे, ये लोग किसको help कर रहे? Startup Accelerator program चला रहे. एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, क्या जरूरी है स्टार्टअप्स को मदद करना बोलो? Yes, sir. कभी सिखाया मैंने आपको बिजनेस एक्सेलरेटर, बिजनेस इनक्यूबेटर? ऐसा बिजनेस एक्सेलरेटर हेल्प्स अ बडिंग बिजनेस क्विकली लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड पुट इट ऑन फास्ट लेन ऑफ कमर्शियल सक्सेस। सो दैट दिस इज हाउ एयरटेल हैज हेल्प्ड एंड इज हेल्पिंग द स्टार्टअप्स। गाइस क्या मैंने आपको इसके पहले भी जब स्टार्टअप्स पढ़ा रहा था तो क्या रतन टाटा का एग्जांपल दिया था मैंने कि हाउ दे आर हेल्पिंग द स्टार्टअप्स एज अ मेंटर, एज एन इन्वेस्टर एज वेल बट एज अ मेंटर एज वेल? नहीं जी हाँ। सो गाइस दैट्स दैट एंड दे आर डूइंग ह्यूज, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड एंड यू हैव टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टूडे, हम लोग एक और कंपनी करना चाहते थे बट आई गेस टू स्टार्ट विथ Five companies we did today. Did we do five companies? What are those? Apsys ka full form bolo? Adani. Ports and Special Economic Zones, followed by Asian Paints, followed by which bank? Axis Bank and Bajaj, distinctly ahead. And the last one and very important one, Airtel. Naam Airtel hai kya company ka bolo? भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने यू नो कब इनकॉर्पोरेट हुई? 1945 में एयरटेल, तब नॉर्मल फोन नहीं थे 1945 में, तो सेलुलर फोनिंग कहां से होगी? सुनील भारती मित्तल। ओके गाइस, जो सारी स्टोरीज हैं मैंने आपको दो चार लाइन अपने नोट्स में ज्यादा ही दिए कम नहीं दिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि गाइस
इट टेक्स टाइम, समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया पुश बटन के फोन से, समझ रहे हो? लेकिन इसमें फिर भी केबल थी, करेक्ट? केबल का प्रॉब्लम सॉल्व किया कॉर्डलेस फोन से, समझ रहे हो? लेकिन कॉर्डलेस फोन भी आप एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाके बैठते हो, वहीं बैठना पड़ता है आपको, घर के रेंज में रहना पड़ता है, इस डिवाइस के पास रहना पड़ता है। फोन आप यहां वहां ले जाओ लेकिन कितना दूर, 10 मीटर से ज्यादा नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया किससे? सेलुलर फोन, मोबाइल फोन से। गाइस, नथिंग हैपेंस इन अ डे, यू हैव टू कीप वर्किंग टू मेक थिंग्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सो गाइस, वी हैव हमारे बकेट लिस्ट में हम लोग कौन सी कंपनी, अडानी कर चुके, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, भारतीय ऑटो, सॉरी भारतीय ऑटो मेरे बजाज ऑटो एंड भारती एयरटेल, वी आर डन विद। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एज फार एज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड। जस्ट वांटेड टू टेल यू, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर तुम लगता है तुमको कि एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी या 15 दिन में बहुत ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी, इट्स नॉट गोना हैपन। वेलकम टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ऑल राइट गाइस, कीप वर्किंग, ठीक है? गो स्लो बट कीप वर्किंग एवरी डे। इट इज कंप्लीटली ओके इफ यू प्रोग्रेस अ लिटिल लेस, until unless you are working hard every day, even if you progress a little progress can help you reach where you wish to be. Alright guys, this is CA Pavan Gaukar. We are calling it a day. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye. Thank you, sir.